अग्निपथ में ऋतिक रोशन की ग्रैंड एंट्री दही हांडी सीन के दौरान हुई थी। अब ऋतिक रियल लाइफ में भी दही हांडी फेस्टिवल के दौरान एक ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली ऋतिक को मुंबई के एक एमएलए ने इस फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बनकर आने का स्पेशल इन्विटेशन दिया है। वे ही विल एंटर द इवेंट पर्च्ड ऑन अ क्रेन। रणवीर सिंह की झोली में एक और फिल्म आ गई है जिसका टाइटल है किल दिल, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शाद अली, जो कि 5 साल बाद डायरेक्शन में अपनी वापसी कर रहे हैं। अगर खबरों की माने तो शाहरुख खान और डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को 105 करोड़ रुपए में बेचा गया है, मगर अब तक इस खबर को किसी ने कन्फर्म नहीं किया। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि कटरीना कैफ यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनने वाली रोमांटिक फिल्म में सिंगिंग करने वाली हैं, लेकिन हाल ही में इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने इस खबर को सरासर गलत कहा। आसिन को अब तक एक नया नेबर मिल गया है, एंड ही इज नॉन अदर देन एक्टर टर्न डायरेक्टर प्रभु देवा। जी हाँ, ये दोनों अब लोखंडवाला के सेम बिल्डिंग में रहने वाले हैं।